हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अ सेट ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मींस टू क्लासिफाई डाटा ऑन डिफरेंट बेसिस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कंपनीज को क्लासिफाई करना है ऑन डिफरेंट बेसिस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ एक कंपनी को? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, on the basis of market share they have. So इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कंपनीज को। तो वैसे ही हमारे पास जो डेटा है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी वो कौन कौन से बेसिस हैं। सो मेनली वी क्लासीफाई द डाटा ऑन दी फोर बेसिस। फर्स्ट इज सोर्स ऑफ डाटा, सेकेंड इज मेजरमेंट लेवल, थर्ड इज बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड फोर्थ इज टाइप ऑफ डाटा। नाउ अब सोर्स ऑफ डाटा में हमारे पास प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा है, और मेजरमेंट लेवल में हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो डाटा है। और अगर हम बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम में देखें तो इसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज डाटा, पैनल डाटा, और टाइप ऑफ डाटा में हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा एंड quantitative data. So let's discuss each classification one by one. First is source of data. जब भी हम data collect करते हैं तो उसके दो ही source होते हैं। First is a primary data and second is a secondary data. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप graduation कर रहे हैं तो या आप या फिर college से कर रहे होंगे या फिर university से। There are only two options. वैसे ही जब भी आप data collect करते हैं तो उसके दो ही मेथड होते हैं या दो ही सोर्स ऑफ डाटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो होता है जो कि आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने लोग यूज कर रहे हैं, हाउ मैनी पीपल यूज ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शोरूम में जाऊँगा या फिर लोगों से बात करूँगा और सर्वे के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू उनसे डाटा कलेक्ट करूँगा और फिर मैं उसे एनालाइज करूँगा। तो प्राइमरी डाटा में आपने किया, आप खुद गए लोगों से, रिस्पोंडेंट से आपने बात की, उनसे सर्वे किया, क्वेश्चनर फिल कराया टू डू योर रिसर्च। प्राइमरी डाटा जो आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं एंड वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में जो प्राइमरी डाटा था वो मेरा पर्पस क्या था, मुझे ये देखना था कि कितने लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं। सो दैट वाज द माय पर्पस एंड ये मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ जाके लोगों से। सो दिस इज द प्राइमरी डाटा और उसके एग्जाम्पल्स हैं सर्वे रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल डाटा एंड ऑब्जर्वेशंस। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? देखिए, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि ऑलरेडी कलेक्ट हो रखा है और आप क्या करते हो, आप उस ऑर्गेनाइजेशन से या उस पर्सन से कांटेक्ट करते हो कि आपको वो डाटा दे सकता है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पता करना है कि पर्टिकुलर एरिया में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इनका इनकम पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाऊंगा और सेंसस का डाटा वहां से लूंगा। सेंसस का जब आप डाटा देखेंगे तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, तो वहां से आप ये डाटा ले सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनका इनकम ग्रुप क्या है। तो सेकेंडरी डाटा मतलब ऐसा डाटा जो कि पहले से ही किसी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और आप उस डाटा को उनसे एक्सेस करते हो। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में जो मेन डिफरेंस ये हुआ कि प्राइमरी डाटा जो है वो आप खुद कलेक्ट करते हो ग्राउंड लेवल में जाके, और सेकेंडरी डाटा जो कि किसी और ने पहले से ही कलेक्ट कर रखा है आप उससे कलेक्ट करते हो, जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट सेंसस का डाटा। सेकेंड बेसिस है हमारा वो है मेजरमेंट लेवल। सो व्हेन वी कलेक्ट डाटा, दैट डाटा कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म, नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल, रेशियो डाटा। सो इनमें से वो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। नॉमिनल डाटा क्या होता है?
नॉमिनल डाटा कैटेगरिकल डाटा होता है विद लेबल्स और नेम्स। लेबल्स और नेम्स जैसे कि किसी का नाम है राम, श्याम, राहुल, ये जो नाम है ये। और लेबल्स की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स प्लेयर की जो जर्सी होती है, जैसे कि उनकी जर्सी के पीछे नंबर होता है 78, 28, 07, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉमिनल डाटा की। नॉमिनल डाटा जो होता है वो जस्ट हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। जैसे किसी का पर्सन का नाम है राहुल, तो राहुल हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि दैट पर्सन नेम इज राहुल। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हैं मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप ए बी, कलर रेड ब्लू। सो ये सब एग्जाम्पल हैं नॉमिनल डाटा की। आपका जो जेंडर है मेल एंड फीमेल वो जस्ट नाम ही है मेल एंड फीमेल, इससे हमें और कुछ पता नहीं चल रहा है। ब्लड टाइप है आपकी ए बी, ये भी आपका नॉमिनल डाटा है, ठीक है। कलर्स रेड ब्लू ग्रीन, ये सब नेम है। ओके, तो ये हमारा नॉमिनल डाटा हो गया। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमिनल डाटा, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज, नो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं आपको मिलेगा। नो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस, किसी न्यूमेरिकल नंबर की सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया किसी जर्सी का नंबर 78 है और किसी का अगर 02 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 02 जर्सी नंबर है जिसका वो इससे बेटर है। वो जस्ट एक जर्सी नंबर है, वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए दे रखा है उनका, और उसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंड है हमारा ऑर्डिनल डाटा। कि ऑर्डिनल डाटा वो डाटा होता है जो कि ऑर्डर फॉर्म में होता है या रैंकिंग फॉर्म में होता है, एंड इंटरवल बिटवीन रैंक्स आर नॉट कंसिस्टेंट। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो डेटा होता है वो ऑर्डर और रैंक फॉर्म में होता है। मान लेते हैं अगर कोई आप एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें आपका जो रैंक, आपका सपोज 1 आता है, आपके फ्रेंड का 2 आता है और किसी दूसरे फ्रेंड का आपका 3rd आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर रैंक में फॉर्म है। जब आपको एडमिशन मिलेगी तो रैंक फर्स्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उसका रैंक पहले आ रहा है, ऑर्डर फॉर्म में। फिर सेकेंड को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर थर्ड को मिलेगी, राइट। अब यहाँ पर लिखा है इंटरवल बिटवीन रैंक्स आर नॉट कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, और इन इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कंसिस्ट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वैसे तो एक है, इन दोनों का भी एक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका और इसका इंटेलिजेंस लेवल, इन दोनों का जो डिफरेंस है इंटेलिजेंस का, वो इसका और इसका इक्वल होगा। ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, ये कम हो, और ये बहुत ज़्यादा कम हो। सो यहाँ पर जो इंटरवल्स होते हैं बिटवीन नंबर्स वो कंसिस्टेंट नहीं होते, राइट। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जैसे कि सेटिस्फाइड है, न्यूट्रल है, डिससेटिस्फाइड है। तो अब जैसे कि मैं न्यूट्रल को 0 मान लेता हूँ, सेटिस्फाइड को 1 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लेट्स से -1 मान लेता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि हमको पता नहीं है। वो जो सेटिस्फाइड है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इसका जो डिफरेंस है वो इस इन दोनों की डिफरेंस से इक्वल है, राइट। एजुकेशन लेवल भी एक एग्जांपल है, जैसे कि बी टेक किसी ने किया है या मास्टर किया है, फिर पीएचडी किया है, तो इनका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये इनका जो डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों इक्वल है, राइट। नेक्स्ट है इंटरवल डाटा। इंटरवल डाटा न्यूमेरिकल डाटा होता है जिसमें कि जो इंटरवल्स होती हैं ये कंसिस्टेंट होती हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, जो इंटरवल्स होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, बट देर इज़ नो ट्रू पॉइंट, देर इज़ नो ट्रू पॉइंट, और आई वुड से देर इज़ नो ट्रू ज़ीरो। यहाँ पर ट्रू ज़ीरो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टेम्परेचर का एग्ज़ाम्पल लूँ,
तो टेम्परेचर अगर 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 का है, इसका भी 2 का है, तो ये इक्वल है। पिछले केस में हमने देखा था उसमें इक्वल नहीं था, इसमें ये कंसिस्टेंस माना जाएगा कि 2 और 4 के जो डिफरेंस है और 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, राइट। अब पर यहाँ पर जो 0 है वो ट्रू 0 नहीं है। अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टेम्परेचर रहा ही नहीं, खत्म ही हो गया, या ना वहाँ ठंड है ना गर्म है। जबकि 0 का मतलब तो ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, इस एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर 0 है या उससे नीचे है। तो यहाँ पर अगर 0 है टेम्परेचर, इट डजेंट मीन कि वो 0 है। सो इट मीन्स कि देर इज नो ट्रू 0 एग्जिस्ट इन इंटरवल डाटा। अब आप किसी पर्सन का IQ मेजर करते हैं, लेट्स से 1 to 5 लेवल पे, ठीक है, और अगर आप किसी को बोलो कि आपका IQ 1 है या मैं कहूँ 0 है, तो इट डजेंट मीन ना कि उसका वो जो पर्सन है वो इंटेलिजेंट नहीं है या उसके अंदर बिल्कुल ही स्किल नहीं है। सो इंटरवल डाटा कंसिस्टेंट होता है इंटरवल्स में, बट वहाँ ट्रू 0 एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, IQ स्कोर हो गया, और की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें एक इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज, देन आर्बिट्री 0 पॉइंट मीनिंगफुल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे कि मैंने बताया, डिफरेंस आपका कैलकुलेट कर सकते हो। देन है रेशियो डाटा। रेशियो डाटा क्या है, इसमें और इसमें एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर ट्रू 0 एग्जिस्ट करता है इंटरवल डाटा में नहीं करता था, इसमें करता है, बाकी सब सेम ही है। कि न्यूमेरिकल डाटा विद ट्रू 0 पॉइंट अलाउइंग फॉर द कंपेरिजन ऑफ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर मैं आपकी हाइट पूछूं तो आप बोलोगे 5'7" या 6", ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की हाइट बिल्कुल कम है, लाइक एक बॉक्स हो गया छोटा सा, उसकी हाइट छोटी है सेंटीमीटर्स में, या किसी की हाइट 0 है, 0 मतलब किसी कोई हाइट ही नहीं है, तो वो तो ट्रू है ना, किसी की हाइट है नहीं तो नहीं है। अगर किसी का वेट है तो किसी का 80 है, किसी का 70 है, या बिल्कुल ही अगर मैं बिल्कुल ही कुछ पिन रख दूँ या पेपर रख दूँ तो उसका वेट 0 आ जाएगा, जबकि वो एक्चुअली में है भी 0 के आसपास। तो ये बोलने का मतलब है कि रेशियो डाटा में आपका ट्रू 0 आता है, जिसमें कि हाइट, वेट एग्जाम्पल है, एज है। अगर मेरी एज 95 है, आपकी 20 है, और जो न्यू बेबी बॉर्न है लाइक उसका 1 मंथ होगा, तो यहाँ पर ट्रू 0 एग्जिस्ट करती है। और इनकम भी, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 0 है, और अगर आपके पास 0 मनी है, इट मीन्स यस आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, वो सच है, तो यहाँ पर ट्रू 0 एग्जिस्ट करती है। तो हाइट, वेट, एज, इनकम, ये इसके एग्जाम्पल हैं, और की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी इक्वल इंटरवल, ट्रू 0 पॉइंट मीनिंगफुल रेशियो। अब इन चारों, अगर मैं चारों डेटा की बात करूँ, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, तो इसमें मैं एक ऐसे आपको पिरामिड बना के दिखाता हूँ, और यहाँ पर आपका नॉमिनल आएगा, यहाँ ऑर्डिनल आएगा, यहाँ आएगा आपका इंटरवल, और यहाँ रेशो। तो रेशो टॉप में इसलिए रखा है क्योंकि इसके पास ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रेशो डाटा में मिलेंगी, राइट। तो इसलिए टॉप ऑफ द पिरामिड है रेशो डाटा, जिसमें कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, कि डाटा को हम टाइम फ्रेम के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप है क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि आप डाटा कलेक्ट करते हो सिंगल पॉइंट इन टाइम, कि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। मैं इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, जिससे आप उसे भूलेंगे नहीं, कि व्हेन यू हैव मल्टीपल डाटा, मल्टीपल वेरिएबल्स, एंड यू स्टडी स्टडी एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम,
ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें एग्जांपल लिया करंट कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस को स्टडी करने के लिए मैं उनकी परचेज हिस्ट्री पूछूंगा या उनकी लाइक पूछूंगा कि उन्हें क्या पसंद है, ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स मैं बहुत सारे पूछूंगा। और पर मैं पूछूंगा उनसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लाइक एक महीने में मैं पूरा ये सर्वे करूँगा या एक साल में करूँगा। तो मल्टीपल वेरिएबल्स एंड देर इज़ अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टडी करते हो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। अ सर्वे कंडक्टेड इन 1 ईयर टू अंडरस्टैंड करंट कंजप्शन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ओके, टाइम सीरीज डाटा इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, आप सिंगल वेरिएबल को स्टडी करते हो पर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड। जैसे कि मुझे इंडिया की जीडीपी स्टडी करनी है, तो इसमें क्या 2010, 2011, 2012 और आपकी इकोनॉमी, इस तरह से मैं स्टडी करूँगा। तो मैं वेरिएबल तो एक ही ले रहा हूँ ना, तो देर देर इज़ अ वन वेरिएबल बट डिफरेंट टाइम्स, कि मैं पिछले 10 सालों का डाटा स्टडी कर रहा हूँ। तो टाइम सीरीज डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि आप एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया कि पिछले 10 सालों का इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ठीक है, पिछले 10 सालों का कैसा है, मंथली एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसको स्टडी करते हो, ठीक है। और पैनल डाटा, पैनल डाटा इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं। पैनल डाटा को हम लॉन्गिट्यूडनल डाटा भी कहते हैं। तो पैनल डाटा में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं एंड टाइम में आपके पास मल्टीपल टाइम या लॉन्ग पीरियड। इसका एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं मैंने 10 पेशेंट लिए और को 10 साल स्टडी किया। अब देखिए मेडिकल साइंस में अगर आपको हेल्थ पे स्टडी करनी है तो आप 1 साल 2 साल में स्टडी नहीं कर सकते, आपको 5 10 15 साल लग जाते हैं किसी को स्टडी करने में, किसी डिजीज को स्टडी करने में। और आप उसके अंदर पेशेंट्स भी लेते हैं जिनको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 10 पेशेंट लिए हैं, मान सकते हैं आप 10 वेरिएबल मैंने ले लिए हैं और टाइम भी कितना है, 10 साल है। तो बोलने का मतलब ये है पैनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं और उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल वो डाटा होता है जिसमें कि मल्टीपल वेरिएबल को स्टडी करते हैं पर सिंगल पॉइंट इन टाइम, राइट। टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, जिसमें कि एक ही वेरिएबल को स्टडी करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, 10 सालों का, 5 सालों का, 1 साल का, महीने में, ठीक है। और पैनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसमें कि मल्टीपल वेरिएबल्स विद मल्टीपल ईयर्स। लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज टाइप ऑफ डाटा। तो टाइप ऑफ डाटा हमारे पास इसमें फर्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वालिटेटिव डाटा जो कि नॉन न्यूमेरिकल होता है, जिसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो हमने पहले स्टडी किया नॉमिनल ऑर्डिनल, ये दोनों ही क्वालिटेटिव डाटा हम इनको बोलते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल है आई कलर्स, मेटल स्टेटस, नॉमिनल ऑर्डिनल। सो दीज बोथ टाइप ऑफ डाटा वी वी कॉल्ड देम क्वालिटेटिव डाटा या फिर कैटेगोरिकल डाटा, राइट। देन क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा मीन्स न्यूमेरिकल डाटा जिनको हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसमें डिस्क्रीट डाटा आता है और कॉन्टीन्यूस डाटा। तो कॉन्टीन्यूस डाटा में आपका वही रेशियो और इंटरवल आ गया। और डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि दैट इंक्लूड्स नॉन डिविजिबल फिगर स्टेटिस्टिक्स यू कैन काउंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मैनी ट्रीज आर देयर, तो आप बोलोगे एक ट्री है, दो ट्री है, चार ट्रीज हैं, पांच हैं, ठीक है। आप कभी ये नहीं कहोगे देर आर 1.5 ट्रीज, 2.7 ट्रीज। जो वैल्यू होगी वो
नॉन डिविजिबल होगी, राइट, 1, 2, 5, 6 ऐसे पॉइंट में नहीं होगी, राइट। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा, जैसे कि मैंने आपको पहले इंटरवल और रेशियो में समझाया है कि मेजरेबल डाटा दैट कैन मेक एनी वैल्यू विद इन रेंज हाइट वेट टाइम, इसका एग्जाम्पल है एज इनकम डिस्टेंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यूजीसी नेट कॉमर्स की बिजनेस रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की सेक्शन को कवर कर रहे हैं अभी। सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।